गुड़ला राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर स्थित गुड़ला में अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण महाअभियान में गुड़ला मंडल में गुड़ला स्थित कजोड़ी मल सेन ने 11,111 रुपए और अपने प्रपोत्र धवल सेन ने 1,100 रुपए अपने गुल्लक से भेंट किए। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, डासड़िया का खेड़ा, बड़ला, बनखा खेड़ा, खजीना, होलीरेड़ा आदि कई गांवों में इन दिनों अफीम के खेतों में पौधों पर डोरे बनने की प्रक्रिया चल रही है। अफीम के पौधों में चीरा लगाने के पहले खेत की मेड़ पर माताजी की स्थापना करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में नाड़ा पूजन कहा जाता है। अफीम काश्तकार रामचंद्र जाट ने बताया कि खेतों में अफीम के पौधों पर डोडे पड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए आज खेत में माता जी की पूजा अर्चना की। रविवार और मंगलवार का दिन शुभ होने से इस दिन को शुभ मानते हुए अफीम के खेतों में माता जी की स्थापना की जाती है। इसके बाद पके हुए डोडों पर चीरा लगाया जाता है। आज खेत की मेड़ पर नाड़ा की पूजा अर्चना करके मुहूर्त के लिए 5 डोडे को चीरा लगाया गया। अब कुछ दिनों बाद चीरा लगाने की प्रक्रिया नियमित रूप से चलेगी। वहीं अफीम काश्तकार खेत की मेड़ पर 7 या 9 माताजी की स्थापना करते हैं। राजेंद्र मार्ग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज सुबोध महिला मंडल द्वारा बसंत पंचमी पर स्कूल लाइब्रेरी में साहित्य भेंट किया। कार्यक्रम में पूर्व सभापति मंजू पोखरना, राजेंद्र मार्ग स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल जी खटीक, समाज सेवी मुकेश नारायणीवाल, रोशन जी महात्मा, योगेश जी सोनी, बस स्टॉप के समस्त गुरुजन उपस्थित थे। सवाईपुर कस्बे के बनकाखेड़ा गांव में चारभुजा नाथ मंदिर पर चारभुजा नाथ को 56 भोग का भोग लगाया गया। ग्रामीण नवरत्न चौधरी ने बताया कि पूर्व कंपाउंडर शंभूलाल शर्मा के द्वारा चारभुजा नाथ मंदिर पर चारभुजा नाथ को 56 भोग का भोग लगाया गया। इससे पूर्व सुंदरकांड पाठ व अभिषेक तथा हवन किया गया। महाआरती के बाद 56 भोग प्रसादी का वितरण किया गया। आचार्य चाणक्य विधि महाविद्यालय में दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की पूजा के साथ बसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर गोरगा मोहमात्र ने बताया कि यह महोत्सव बसंत ऋतु के आगमन एवं मां सरस्वती के जन्मदिन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ दिन है। कार्यक्रम के दौरान विधि व्याख्याता डॉक्टर दिनेश कुमार तेली, प्रीति दरक, शोभना वर्मा, शिव शक्ति सिंह राणावत, आकांक्षा शर्मा एवं विधि छात्र सुधीर डांगी, योगिता पांचाल, कोमल जोशी, हंसा राठौर ने अपने विचार व्यक्त किए। देश में सौर ऊर्जा के प्रति व्यापक समझ बनाने और प्रचार हेतु IIT प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी द्वारा ऊर्जा स्वराज के नाम से यात्रा निकाली जा रही है। यह आज चित्तौड़ से भिलवाड़ा में प्रवेश करेगी। इस यात्रा में प्रोफेसर सोलंकी सोलर बस लेकर चल रहे हैं। यात्रा लगभग 2,00,000 किलोमीटर की यात्रा 11 वर्ष में पूरी करेगी। इस दौरान वह पूरे समय बस के साथ ही रहेंगे। यात्रा मार्ग में प्रतिदिन वह विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में चेतना वार्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस बस से प्रोफेसर सोलंकी वेबिनार के माध्यम से औद्योगिक संगठनों, कारपोरेटर्स, व्यापारिक संगठनों, विश्वविद्यालयों में सौर ऊर्जा जागृति कर रहे हैं। शिवसेना समिति सुभाष नगर द्वारा बसंत पंचमी पर बड़ी पुड़िया स्थित शिव मंदिर में भगवान राधा कृष्ण का पीली सरसों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। पूरे शिव मंदिर परिसर को पीले वस्त्रों एवं वस्तुओं से सजाया गया। समिति के अनिल जैन ने कहा कि मां सरस्वती एवं राधा कृष्ण का पूजन किया गया। भजनों में कार्यक्रम के पश्चात पीले चावलों का भोग लगाया गया और प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर लाड देवी, जिंगर, सुनीता देवी, तोशनीवाल, नर्मदा वैष्णव, सुनीता वैष्णव, कविता शर्मा, प्रतिभा शर्मा आदि उपस्थित थे। मंगलवार को बसंत पंचमी के उपलक्ष में धान मंडी स्थित बद्री नारायण मंदिर परिसर में आयोजित भजन संध्या का शुभारंभ पुनीता व्यास द्वारा गाई गई गणेश वंदना से किया गया। हितेश व्यास द्वारा गाए भजन मंत्र मुग्ध कर दिया। प्रगति व्यास, ओम प्रकाश बदाता, अरविंद शर्मा ने भी भजनों की प्रस्तुति दी।